हाँ जी दोस्तों, क्या हालचाल। दिस इज यश, योर टेकमेट। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मई के महीने में लॉन्च होने वाले कुछ कमाल धमाल स्मार्टफोन्स के बारे में, यानी कि अपकमिंग स्मार्टफोन्स इन मई 2023। और मई का जो महीना है वो बहुत स्पेशल महीना है भाई। क्यों स्पेशल है? क्योंकि मई के महीने में तुम्हारा भाई पैदा हुआ था, और वो भी 1 तारीख को, यानी कि आज तुम्हारे भाई का हैप्पी बर्थडे है। So, फटाफट से कमेंट बॉक्स में जाओ, एक अच्छा सा हैप्पी बर्थडे विश लिखो एंड गेट अ चांस टू गेट वन ऑफ दिस प्रोडक्ट। क्योंकि जो सबसे अच्छा विश करेगा उसको इनमें से एक प्रोडक्ट हमारी तरफ से गिव अवे किया जाएगा। सो मेक श्योर कि एक विश आप जरूर से करें। बात करते हैं कुछ फोन्स के बारे में एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए दोस्तों, बात करते हैं फोन्स के बारे में। तकरीबन 14-15 स्मार्टफोन्स लॉन्च होने वाले हैं, सारे के सारे मैंने यहां पर नोट करके रखे हुए हैं। फटाफट से आपको बताता हूं, आप मेरे को कमेंट करके बताना कि आप किस स्मार्टफोन का सबसे ज्यादा वेट कर रहे हैं। सबसे पहले पोको की तरफ से मच अवेटेड स्मार्टफोन पोको F5 बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। 9th of May को ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च कर दिया जाएगा। एंड इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन है ये। जो स्मार्टफोन है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7+ Gen 2 प्रोसेसर के साथ में आएगा। 120Hz का AMOLED डिस्प्ले मिलेगा, 67W की चार्जिंग रहेगी एंड ठीक ठाक प्राइस पॉइंट पर आने वाला है। सो यस, पोको की तरफ से एक ही स्मार्टफोन आपको इंडिया में देखने को मिलेगा। F5 Pro ग्लोबली लॉन्च होगा लेकिन वो इंडिया में लॉन्च अभी नहीं होने वाला है। नेक्स्ट अप, Realme की तरफ से Realme 11 सीरीज लॉन्च होने वाली है। 3 स्मार्टफोन्स रहेंगे, Realme 11 रहेगा, Realme 11 Pro रहेगा एंड Pro Plus आपको देखने के लिए मिलेगा। एंड तीनों स्मार्टफोन इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन है। Pro Plus के बारे में अगर बात करें तो Pro Plus जो है वो आएगा भाई साहब Dimensity के 7 सीरीज के प्रोसेसर के साथ में एंड मोस्ट प्रोबेबली 7020 आपको देखने के लिए मिलेगा। एंड यस, परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिलेगी, कर्व डिस्प्ले मिलेगा, 120Hz का रिफ्रेश रेट मिलेगा। डिटेल में अगर आपको जानना है ऊपर आई बटन में लिंक दे रहा हूं, जाकर के चेकआउट करना। इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन है एंड कमेंट करके बताना कि क्या आप इस स्मार्टफोन का वेट कर रहे हैं। 10 मई को चाइना में ये सीरीज लॉन्च की जाएगी एंड मोस्ट प्रोबेबली एंड ऑफ मे या फिर जून की स्टार्टिंग में ये जो स्मार्टफोन है आपको इंडिया में भी देखने के लिए मिल सकते हैं। सो यस, रियलमी की तरफ से रियलमी 11 सीरीज के 3 स्मार्टफोन्स आपको इसी महीने देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद में Realme Narzo सीरीज का एक स्मार्टफोन आपको इंडिया में देखने के लिए मिलेगा एंड दैट विल बी Realme Narzo N53। N55 अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, N53 भी लॉन्च होने वाला है एंड ये जो स्मार्टफोन है 4G स्मार्टफोन रहेगा। ऑक्टाकोर प्रोसेसर यहां पर आपको मिलेगा, 33W की चार्जिंग मिलेगी, Amazon स्पेशल रहेगा एंड समवेयर अराउंड 12-13 हज़ार के आसपास इंडिया में लॉन्च होगा। सो यस, Realme की तरफ से 4th स्मार्टफोन भी आपको इंडिया में देखने को मिल सकता है। इसके बाद में Google की तरफ से Google Pixel 7a ये भी 10 तारीख को लॉन्च किया जा सकता है। गूगल की IO कॉन्फ्रेंस है और वहां पर ये स्मार्टफोन अनाउंस किया जाएगा। Google Tensor G2 चिप के साथ में आएगा, AMOLED का डिस्प्ले मिलेगा, 90Hz का रिफ्रेश रेट रहेगा, अच्छा स्मार्टफोन रहने वाला है। डिटेल में इस स्मार्टफोन के बारे में भी हमने बात करी हुई है, अगर आप देखना चाहते हैं ऊपर आई बटन में लिंक देता हूं, जाकर के जरूर से चेकआउट करना। अच्छा स्मार्टफोन है एंड इंडिया में एग्रेसिव प्राइस पॉइंट पर आ सकता है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं लेकिन हाँ अच्छे प्राइस पॉइंट पर आ सकता है। सो लेट्स सी कि ये जो स्मार्टफोन है इंडिया में किस प्राइस पॉइंट पर लॉन्च किया जाएगा। इसके बाद में Google की तरफ से Google Pixel Fold, जी हाँ फोल्डेबल स्मार्टफोन भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। एंड ये जो स्मार्टफोन है इसमें आपको Snapdragon 888 प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा। Google अपना घर में बनाया हुआ प्रोसेसर नहीं डालेगा भाई साहब, Snapdragon 888 रहेगा, परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिलेगी। कैमरास की अगर बात करेंगे तो यहां पर आपको 12+16 MP का डुअल कैमरा मिलेगा पीछे की तरफ, फ्रंट में 8 MP का कैमरा रहेगा। एंड साथ ही साथ प्राइस पॉइंट की अगर बात करें समवेयर अराउंड 1,45,000 के आसपास ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च किया जाएगा एंड ये भी जो स्मार्टफोन है 10 मई को लॉन्च किया जा सकता है। तो गूगल की तरफ से 2 स्मार्टफोन्स आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद में सैमसंग की अगर बात करें तो सैमसंग की तरफ से भी 2 स्मार्टफोन आपको इस महीने में देखने को मिलेंगे एंड फर्स्ट विल बी सैमसंग गैलेक्सी F54। जी हाँ, Samsung Galaxy F54 जो कि Flipkart यूनिक रहने वाला है एंड यहां पर आपको Samsung Exynos 1380 प्रोसेसर मिलेगा, 120Hz का AMOLED का डिस्प्ले मिलेगा। इस फोन के बारे में भी हमने डिटेल में बात करी हुई है, अगर आप देखना चाहते हैं ऊपर आई बटन में लिंक दे रहा हूं, जाकर के जरूर से चेकआउट करना। ये जो स्मार्टफोन है 25,000 के आसपास इंडिया में लॉन्च किया जा सकता है एंड ये भी स्मार्टफोन 10 मई को ही इंट्रोड्यूस किया जाएगा। सो यस, 10 मई जो है काफी इंटरेस्टिंग तारीख रहने वाली है, काफी सारे स्मार्टफोन आएंगे, उसमें से Samsung Galaxy F54 एक रहेगा एंड सेकंड स्मार्टफोन जो Samsung की तरफ से देखने को मिलेगा वो मिलेगा Samsung Galaxy A24। जी हाँ दोस्तों, A24 जो रहेगा यहां पर आपको 120Hz का LCD डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगा
क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा एंड उसी के अलावा बाकी सारी चीजें देखने के लिए मिलेगी। ये जो स्मार्टफोन है ये भी 10 तारीख को इंडिया में लॉन्च किया जा सकता है। तो सैमसंग की तरफ से 2 स्मार्टफोन्स मिलेंगे। इसके बाद में टेक्नो की तरफ से टेक्नो स्पार्क 10 5G, ये भी जो स्मार्टफोन है ये भी इंडिया में लॉन्च कर दिया जाएगा। ये स्मार्टफोन आएगा मीडियाटेक डायमेंसिटी 6020 प्रोसेसर के साथ में, जो कि 5G प्रोसेसर है और काफी अच्छा प्रोसेसर है। रिसेंटली वीवो T2X में भी हमको देखने के लिए मिला था एंड उसी प्रोसेसर के साथ में ये स्मार्टफोन 90 हर्ट्ज के LCD डिस्प्ले के साथ में 14,999 रुपीज के प्राइस पॉइंट पर इंडिया में लॉन्च किया जाएगा एंड 25 मई से ये वाला जो स्मार्टफोन है अवेलेबल रहेगा सेल के लिए। सो यस, टेक्नो की तरफ से 5G स्मार्टफोन टेक्नो स्पार्क 10 5G भी आपको इंडिया में बहुत जल्दी देखने को मिलेगा एंड मई के महीने में देखने को मिलेगा। इसके बाद में अगर बात करेंगे मोटोरोला की तरफ से 3-4 स्मार्टफोन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं एंड फर्स्ट विल बी मोटो रेजर 40 अल्ट्रा। ये जो स्मार्टफोन है फ्लिप स्मार्टफोन रहेगा, फोल्ड नहीं रहेगा, फ्लिप स्मार्टफोन रहेगा एंड यहां पर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 प्लस जनरेशन 1 चिपसेट मिलेगा। AMOLED यानी OLED पैनल यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा, फोल्डेबल OLED यहां पर आपको मिलेगा एंड उसी के साथ में प्राइस पॉइंट की अगर बात करें समवेयर अराउंड 1,40,000 ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च किया जा सकता है एंड एंड ऑफ द मे में ये जो स्मार्टफोन है इंडिया में लॉन्च किया जा सकता है। सो यस, कमेंट करके बताना क्या मोटोरोला के फ्लिप फोन के लिए आप एक्साइटेड हैं या फिर इंटरेस्टेड हैं इसके अंदर, कमेंट करके अपनी राय जरूर से बताना। मोटो की तरफ से दूसरा स्मार्टफोन मोटो एज 40, ये भी जो स्मार्टफोन है बहुत जल्दी इंडिया में लॉन्च किया जा सकता है और ये काफी इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन रहेगा और काफी अच्छे प्राइस पॉइंट पर लॉन्च किया जाएगा। ये जो स्मार्टफोन है ये आएगा भाई साहब डायमेंसिटी 8020 प्रोसेसर के साथ में। अब 8020 जो प्रोसेसर है उसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में अभी तक इंफॉर्मेशन नहीं आई है, लेकिन प्रोसेसर पावरफुल रहेगा 2.6 GHz वाला एंड 4 A78 वाले कोर्स मिलेंगे। इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन रहेगा। 144 हर्ट्ज का यहां पर आपको POLED का पैनल देखने के लिए मिलेगा, 68 वॉट की चार्जिंग आपको देखने को मिल सकती है एंड गुड लुकिंग स्मार्टफोन रहने वाला है। इस फोन के बारे में भी हमने डिटेल में बात करी हुई है, अगर आप देखना चाहते हैं वीडियो ऊपर आई बटन में लिंक दे रहा हूं, जाकर के जरूर से चेकआउट करना। फोन इंटरेस्टिंग है एंड आपको मजा आएगा एंड शायद इस फोन के फैन भी आप बन सकते हैं क्योंकि फोन बहुत तगड़ा रहने वाला है। इसके बाद में मोटो की तरफ से मोटो G53 भी आपको इसी महीने इंडिया में देखने को मिल सकता है। हालांकि इस पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है लेकिन आ जरूर सकता है क्योंकि मोटोरोला की जी सीरीज में बहुत टाइम से फोन लॉन्च नहीं हुआ है। G73 के बाद से जी सीरीज जो है वो काफी शान से रखी हुई है। सो यस, G53 आपको इंडिया में देखने को मिल सकता है जो कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 480 प्लस के साथ में आएगा। 90 हर्ट्ज का आपको LCD का डिस्प्ले देखने को मिलेगा या 120 हर्ट्ज का LCD का डिस्प्ले है एंड ये भी जो स्मार्टफोन है मई के महीने में ही आपको इंडिया में देखने को मिलेगा। इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन है, काफी लोगों ने मुझे कमेंट करके भी बोला है भाई साहब कि हम G53 का वेट कर रहे हैं। सो यस, आपका वेट शायद मई के महीने में खत्म हो सकता है। इसके बाद में ओप्पो की तरफ से ओप्पो F23 प्रो, ये जो स्मार्टफोन है ये भी मई के महीने में इंडिया में लॉन्च किया जा सकता है एंड 15 मई को ये स्मार्टफोन लॉन्च किया जाएगा। बात करेंगे स्पेसिफिकेशन के बारे में, 6.72 इंचेस का AMOLED का डिस्प्ले यहां पर आपको मिलेगा, स्नैपड्रैगन 695 का प्रोसेसर मिलेगा, 4500 mAh की बैटरी यहां पर आपको मिल सकती है एंड प्राइस पॉइंट की अगर बात करें तो प्राइस पॉइंट इस स्मार्टफोन का हायर साइड पर ही रहने वाला है एंड 15 तारीख को यह स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। इसके बाद में नोकिया की तरफ से रग्ड स्मार्टफोन नोकिया XR21, ये भी आपको इंडिया में देखने के लिए मिल सकता है एंड ये जो स्मार्टफोन है इस पर भी हमने डिटेल में बात करी हुई है, अगर आप देखना चाहते हैं ऊपर आई बटन में लिंक दे रहा हूं, जाकर के जरूर से चेकआउट करना। कैसा है स्मार्टफोन कमेंट करके भी बता देना। यहां पर आपको स्नैपड्रैगन 695 का चिपसेट मिलेगा, LCD डिस्प्ले यहां पर आपको मिलेगा एंड रग्ड स्मार्टफोन रहेगा, बिल्ड क्वालिटी तगड़ी रहेगी। ये भी जो स्मार्टफोन इंडिया में आपको देखने के लिए मिल सकता है, कब देखने के लिए मिलेगा इस चीज को लेकर के कोई गारंटी नहीं है लेकिन मई के महीने में ये स्मार्टफोन इंडिया में अनाउंस किया जा सकता है। इसके बाद में आईकू की तरफ से आईकू नियो 8 प्रो, जी हां ये जो स्मार्टफोन है चाइना में बहुत जल्दी लॉन्च होगा, इंडिया में मई के महीने में आएगा या अर्ली जून में आएगा इस चीज को लेकर के थोड़ा सा डाउट है लेकिन आएगा जरूर। और जो फोन है डायमेंसिटी 9200 प्रोसेसर के साथ में आएगा, 120 हर्ट्ज का आपको AMOLED डिस्प्ले मिलेगा और भी जैसे जैसे स्पेसिफिकेशंस पता पड़ेंगे आपको एक डिटेल्ड वीडियो मिल ही जाएगा। तो ये थे भाई साहब कुछ 14, 15, 16, 17 स्मार्टफोन्स के आसपास जो कि मई 2023 के महीने में इंडिया में लॉन्च किए जा सकते हैं। आप मेरे को कमेंट करके बताना भाई कि इनमें से कौन से स्मार्टफोन के लिए आप सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं एंड कौन सा स्मार्टफोन आप खरीदना पसंद करेंगे, कमेंट करके अपनी राय जरूर से बता देना। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस प्लीज मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करें एंड ऑल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंचे आपको तुरंत से। दिस इज यश साइनिंग ऑफ, बाय बाय।